नमस्कार जी, मैं योग गुरु राधेश्याम बंसल बठिंडा, जो कि 1974 तो ही योग दी सेवा नमावर रहे हैं। योग की है इस बारे में तुहानू पहला दसांगा। योग एक साधना है, तपस्या है। योग एक परमात्मा नाल मिलन दा एक जरिया है, तरीका है। योग दा मतलब है जोड़ना, अपनी आत्मा नू परमात्मा दे नाल जोड़ना, जिस नाल सानू शांति मिलती है, मन एकाग्र होंदा है, मन दियां विरतियां दूर होंदियां न। एक संस्कृत दा श्लोक है योग दे अंदर, योग चित्त वृत्ति निरोध्या, वी जिन्ने भी साडे रोग है चित्त दे, मन दे विकार है, उन्हां नू दूर करना योग है। योग एक साधना, साधना तपस्या। तपस्या दे विच जिन्नी देर असी कर सकते हैं, एक मिनट तो लैके एक घंटे तक, एक घंटे तो लैके दो घंटे तक, ये योग साधना असी कर सकते हैं। इसनू मन नू एकाग्र करना है। एकाग्र करन दे तरीके, कई साधक पुछ लैंदे वी मन नू एकाग्र किवें करना है। बड़े तरीके है, बड़े साधन है, अलग अलग। असी जिन्ने भी ऋषिया मुनि है, साधु महात्मा को जावांगे, सानू वख वख तरीके दसणगे। अज मैं तुहानू बड़ा सरल तरीका और सौखा पंजाबी दे विच दसांगा की है अपने मन नू वाहिगुरु जां परमात्मा नाल जोड़ना एक साधना है। श्वास श्वास सिमरन करना है, दो काम होणगे, एक पंथ दो कास। मन भी एकाग्र होएगा और प्रभु दा सिमरन भी होएगा। साडी गुरबाणी, गीता, जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ है, सारयां दे अंदर देतने भी योग करो जी, साधना करो, तपस्या करो जी। मन एकाग्र तां होएगा जब साडा मन श्वासां ते टिकिया होएगा। कहिंदे आ श्वास श्वास सिमरन करो, गुरबाणी भी कहिंदी है श्वास श्वास सिमरन करो। सिमरन दा मतलब श्वास लैना है अंदर, अपने प्रभु दा नाम, वाहिगुरु, राम कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, अपने धर्म दे अनुसार। इत्थे मैं एक होर भी तुहानू क्लीयर करांगा भी योग हर धर्म नू जोड़दा है। योग दा मतलब ही जोड़ना है, धर्म जुड़ेगा, हर धर्म दा इंसान योग कर सकदा है, साधना कर सकदा है अपने धर्म दे अनुसार। मन नू एकाग्र करके श्वास लेना, बड़े आराम नाल खिंचना, अंदर रोक लेना और बड़े आराम नाल बाहर छड़ना। ये सारे योग साधन दे अंदर है। योग दे असी इहनू आसना दे विच नहीं लैके जाना, आसन और तरीका है। ये है योग, योग एक अभ्यास है, आसन है, उस बारे नहीं असी गल कर रहे। मैं मन नू शांत किवें करना है, मैं कह के हटिया ना पहला, अपनी आत्मा नू परमात्मा नाल किवें जोड़ना है। श्वास भरो, रोक लो। श्वास भरन वेले ही प्रभु दा सिमरन, रोकण वेले भी प्रभु दा सिमरन, और श्वास नू बाहर छड्डन वेले भी। देखो एक राउंड दे विच असीं तीन वार प्रभु दा सिमरन लै लेंगे, चौथा कदों लेना है, जदों रिलैक्स होना है, थकावट आउंदी है, कोई घबराहट आउंदी है, कोई चक्कर आउंदा तां रुक जाना है, रुक के फिर स्लो स्टार्ट करना है। इन्हां नूं फास्ट नहीं करना, तेज़ नहीं करना, तेजी नाल नहीं करना, जिन्हों असीं उतावलापन कह दिंदे हां उस नाल नहीं करना। मन तुहाडा शांत होएगा, नैगेटिव थॉट तुहाडे दूर हो जाणगे। अज कल बीमारियां क्यों वध रहियां हन? नैगेटिव थॉट, बुरे विचार, घटिया विचार जिन्हों आप कह दें। अपने विचारों नू पॉजिटिव बनाओ, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ। ये योग साधना नाल ही जुड़े हुए हैं। हर चीज़ कहते जिहो जिहा खावांगे अन्न उहो जिहा होएगा। मन नू ही टिकाउणा है असीं। ताडा मन टिक गया, हर काम अच्छे करांगे। इसलिए इसनू योग साधना कहा गया है। इसनू अगे किवें वधाउणा है? कई साधक पुछते हैं भी बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, पै के कर सकते हैं, बड़े तरीके आए थे। बैठे हैं असी, साधना कर रहे हैं, थकावट आ गई सीधे लेट जो सब आसन दे भी। सब आसन की बड़ी बॉडी नू, अपने शरीर नू रिलैक्स करना ही सब आसन कहते हैं। उहदे विच बैठ के श्वास ले लो, फिर प्रभु दे नाल सिमरन कर लो। जिन्नी देर बैठ के पै के कर सकते हैं कर लो। कई साधक पुछते कि असी उन्हों उल्टे लेट के भी कर सकते हैं। ये साधना है, मन टुकाना तो उल्टे लेट के भी कर सकते हो, बड़े सौखा तरीका है। कई बार सानू बड़े वहम च पा देंगे जी, बैठ के ही साधना करनी है। जिहड़ा इंसान दे मतलब बैक तो थले कम नहीं कर रही, कमर तो थले लत्तां कम नहीं कर रही, बैठ के किवें साधना करेगा? साधना तो वह लोग भी करते हैं जिन्हां दे लत्तां नहीं है,
नहीं, इस वहम दे विच नहीं पैना। योग साधना तुसी लेट के, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, बैठ के भी कर सकते हैं। इनू योग साधना कहा जाता है। अगे आ जाता है भी इसनू किवें वधाउणा है, किन्नी देर करना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है दे अंदर, जिन्नी देर मर्जी करो। मैं कहना एक मिनट तो लैके दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, सारा दिन भी कर सकते हैं। जो मन टिकन लग गया साडा, कई पुछते हैं जी योग के अंदर की है, बड़े ये बहुत कुछ है योग के अंदर। जे ही चक्करों से चले जाएंगे, एक चक्कर तो एक दिन लग जाएगा उन्होंने सिखाते। इसलिए नॉर्मल रखो तुसी फिलहाल, जो हुण करना है ना, सौखा करना है, ईजी करना है, आराम नाल योग अभ्यास करना है, तो मन को शांत करके करो। चक्करों के नहीं पैना कि मैं कुंडली जागरण करनी है जी, वो करनी है जी, ये बड़े लंबे चक्कर है। उन्होंने आप गृहस्थी लोग नहीं पै सकते, पैनिया तो वे बड़ी साधना करनी पैंती है। साधना फिलहाल स्टार्टिंग दे जो मैं हुण दस रहा उन्होंने नॉर्मल रखना है। नॉर्म रखते हुए, सिंपल रखते हुए, जिन्होंने नॉर्मल का मतलब सिंपल रखना, अगे बधा लेना है कि मैं अपने मन में घबराहट हो रही है, मैं गुस्सा हो रहा है, तो इनू किवें टिकाउणा है। जो मैं साधना दस रहा ना, इस नाल ठीक हो जाना है। हाई बीपी हो रहा है, कई कहिंदे जी हाई बीपी और ब्लड प्रैशर बढ़ रहा है जां घट रहा है मेरा, इस नाल ही सारा ठीक हो जाना है। रोग भी दूर होंदे ने इस नाल। देखो हाई बीपी ठीक हो गया, थोड़ा तनाव स्ट्रैस ठीक हो गया, थोड़ी चिंता दूर होगी, साधना भी होगी नाल, बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। योग अभ्यास अपने श्वासा नू ही नॉर्मल करना योग है। इसी नाल ही प्रभु नाल जुड़ा जाएगा, आत्मा साड़ी परमात्मा नाल लग जाएगी। इस तरह अभ्यास करते हुए साड़ी आत्मा किधर लग जाएगी, परमात्मा वल लग जाएगी। अगे दा होर भी तरीका है, कई साधक कहिंदे आ भी सानू नहीं हुंदा जी, असी साधना करते हैं मन भड़कदा बहुत है। तुसी काउंटिंग शुरू कर लो, गिनती शुरू कर लो, गिनती नाल श्वास लेने शुरू कर दियो, अपने सह लेने शुरू कर दियो, एक तो लैके सौ तक। नाल वाहिगुरु प्रभु ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दियो, श्वास भी ले चलो। थोड़ा जहा मैं दसन भी लग्या तो कई बार पता नहीं लगता कि मैं देखो मैं श्वास भर रहा, परमात्मा का नाम लवोंगा, हूँ श्वास रोक लिया, फिर लै रहे हैं, छड़न वेले फिर रुक के रिलैक्स हो गए, चार बार हो गया, इनू जिन्ना मर्जी लै लो। ये है जे मन फिर भी नहीं टिक रहा, मन साडा घबराहट च ज़्यादा है, चिंता च है, तो इसनों सौ की पुठी गिनती शुरू कर दो। सौ रिलैक्स हो जो श्वास लेके, 99, 98, 97, 97, इस तरह काउंटिंग गिनती शुरू कर दो। नाल सिमरन जरूर करना है श्वास के नाल। नैक्सट जे फिर भी मन नहीं टिक रहा, फिर भी बहुत घबराहट है, बड़ा गुस्सा है, तनाव बड़ा है, स्ट्रैस बहुत है, तो 3 छड़ के 100, 97, 94, 91, इस तरह 3-3 दे काउंटिंग छड़ दे जाना है। तुहाडा मन किधर लग जाएगा, गिनती वल, गिनती नाल लग गया तो परमात्मा का नाम भी सही लिया जाएगा, साधना होगी। ये है साधना, ये है प्रण, फिर ये नाल प्राणायाम जुड़िया, जिसनों असी अगे योग वल बढ़ते हैं भी प्राणायाम की है। प्राण और याम, प्राण है वायु, हवा, ऑक्सीजन, आम है ऊर्जा, शक्ति, एक पावर साढ़े अंदर जाती है जो जिस नाल असी ज्यो रहे हैं, प्राण वायु कहिंदे हन इसनों। साड़ी जिंदगी किस नाल है, प्राण वायु नाल, प्राण वायु, जो प्राण वायु है इसनों सही तरीके नाल चलाना, जो मैं तुहानू दस्सिया प्राण वायु नाल ही साड़ी लाइफ जिंदगी है। प्राण वायु साड़ी सही चलन लग गई, मैडिटेशन होएगा, ध्यान लगेगा, ध्यान लगाते हुए साड़ियाँ बीमारियाँ, चिंता, तनाव, स्ट्रैस, हाई बीपी सब ठीक होएगा। तीसरा स्टैप फिर दसन लग गया है, कहते हैं पै के करना। पैना किस तरह, जिमें बाल आसन कह देंगे, लैफ्ट साइड, लैफ्ट साइड भी पै सकते हैं, राइट साइड, सज्जे पासे भी, खब्बे पासे भी, जो इंसान अच्छा जिमें लगता है, जो व्यक्ति जिमें ठीक लगता है, आराम नाल करना है, किसी की रीस नहीं करनी। कई अभ्यास ज़्यादा बनया हुआ है, असी उदी रीस करांगे साडा सांह चढ़ेगा, घबराहट होएगी, फिर मुड़ के छड्ड जांदे, इनू छड्डना नहीं, इसनू अगे अपनी लाइफ लई
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ, ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਯੋਗ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ, ਓਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੂਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਓਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਆ ਓ ਓਮ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ, ਆਮ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ। ਸਵਾਸ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਵਾਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੋਪ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਗੋਡ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਯੋਗ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਰਿਲੈਕਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਔਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਯੋਗ ਆਸਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰੋ।